राजस्थान में 3 दशक से हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम दावों के बावजूद ये रिवाज कायम रहा और आखिरकार बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के कौन से 5 कारण बताए हैं जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पहला कारण पार्टी ने बताया, संगठन की कमजोरी। पार्टी का कहना है कि इस बार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बहुत सारे जिलों में ढंग से ना ही चुनाव प्रचार किया और ना ही भागदौड़ की। कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर दक्षिण, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पुष्कर, मालपुरा जैसी सीटें फिर से एक बार भी नहीं जीत पाई। तो वही भाजपा कोटपुतली, सपोटरा, नवलगढ़ जैसी सीटें जीत गई, जहाँ वो लगातार 3 बार से हार रही थी। दूसरा कारण भाजपा की और हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण। पार्टी ने हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को हार का सबसे बड़ा कारण बताया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा की ओर से चुनाव में हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। बीजेपी ने संत समाज के लोगों को टिकट देकर धार्मिक भावनाएं बढ़ाई है, जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तीसरा कारण नेताओं का घमंडी रवैया। पार्टी का कहना है कि इस बार हुए विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कुछ नेताओं ने बेमतलब की बयानबाजी की है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और इन सब के अलावा कुछ नेताओं का घमंडी रवैया भी देखने को मिला, और इसी घमंडी रवैये की वजह से पार्टी को कई सीटों पर करारी हार झेलनी पड़ी है। यही कारण है कि भाजपा के पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के सीनियर और दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। चौथा कारण गुर्जर समुदाय की नाराजगी। कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी हार के लिए गुर्जर समुदाय की नाराजगी बताई है। बता दें, गुर्जर समुदाय राजस्थान में 5 सबसे बड़े मतदाता समूहों में से एक है, जिसका जातिगत समीकरण करीब 70 सीटों पर बाहुल्य कैटेगरी में आता है। आखिरी और पांचवा कारण बागियों को समय पर नहीं मनाना। पार्टी कार्यकर्ताओं को समय पर नहीं मनाना, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ और पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पार्टी ने बताया कि कांग्रेस को करीब 25 सीटों पर बागियों के साथ इस बार लड़ना पड़ा। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारण जरूर गिनाए हैं, लेकिन पार्टी अभी भी इस आत्मविश्वास में है कि ये हार 2003 और 2013 में मिली हार के बदले में सम्मानजनक हार है। तो वही सूत्रों का कहना है कि पिछले 5 सालों से जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खाई खुदी हुई है, उसका असर अभी तक कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिसे पार्टी को जल्द ही दूर करना चाहिए, नहीं तो इन दोनों नेताओं की बगावत का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।